boys and girls, now is the time for dance. Dear friends, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी प्रिंसेस केक काटने के लिए तैयार है। माचिस चाहिए, माचिस चाहिए, सिगार या सिगरेट नहीं चाहिए। मजाक छोड़, केक काट। अब जला भी दो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। केक अच्छा है ना? हाँ। अब हमारी प्रिंसेस कैंडल बुझाएंगी। जन्मदिन पर ऐसे रोशनी क्यों बुझा रही हो आप? What? खुशी में तो लोग दीपक जलाते हैं, तो ऐसे जन्मदिन में दीपक? रोशनी की लौ भी आपकी जाती है, स्त्री जाति, सम्मान दो तो जलती रहती है, अगर ना दो तो जला देती है। Well said, junior. रोशनी की लौ स्त्री जाति और पुरुष मोमबत्ती की जाति, पिघलने वाली जाति। ये सब बातें रहने दीजिए, तुम बुझाओ। हेलो शेक्सपियर। मुझसे कहा? केक तो कट कर सकते हैं ना, या फिर जन्मदिन के शुभ दिन पर इसे भी टुकड़े टुकड़े करना? बिल्कुल कर सकते हैं, टुकड़े लोगों में बांटने के लिए तो होते हैं ना। well said, टुकड़े करना बांटने के लिए। बेटी तुम काटो और हमें भी बांटो। मिस्टर, एक अच्छी बात बताने के लिए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सीता देवी जी। थैंक्स। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? हम देवगढ़ के हैं, आपके राजगढ़ राज्य के अधीन ही हैं। ओ अच्छा, तो फिर यहाँ? यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, शाम को यहाँ नौकरी करता हूँ। हम भी तो वहीं पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें तो कभी नहीं देखा। आपको जो दिखता है वही आप देखती हैं, लेकिन मैं नहीं। well said, my junior. लड़कियाँ उन्हें देखती हैं जो उन्हें देखता है। 1936 ही नहीं 2036 हो जाए, इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। कम। वैसे सेक्स में नाम में क्या है? नाम में क्या रखा है? A rose is a rose. तुम्हारा नाम क्या है? हरी, माय मैजेस्टी। अब तुम मिलते रहना। शेक्सपियर, मुझे पसंद करते हो? नहीं जी, प्यार करता हूँ। दोनों में अंतर क्या है? गुलाब का फूल होता है ना, पसंद आए तो उसे तोड़ते हैं, प्यार करते हैं तो सींचते हैं। तो फिर तैयारी कर लो तुम, हम शादी कर लेते हैं। यात्रा नई सी लग रही है ना प्रिंसेस? अपना ही गांव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन गांव की बात सोचकर ही डर लग रहा है, पहले जैसा मिलना मुश्किल है। सीता देवी जी को डर भी लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? बहुत लगता है जी, कभी तो डरना पड़ेगा, ये सोचकर बहुत डर जाता हूँ। ये मेरे निडर राम जी के लिए। मेरे लिए? खूबसूरत भेंट है। आपकी दया से पहली बार मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, और अब ये कोड भी। आगे और क्या क्या बदलाव होगा ये सोचकर डर रहा हूँ। जैसे मेरे लिए तुम बहुत बदल जाओगे ना। ठीक है, ट्रेन के रुकते ही पहले मैं उतर जाऊंगी, उसके बाद तुम आना। सिर्फ 1936 में ही नहीं, अगर 2036 भी आ जाए ना, तब भी प्रेमियों को छुप छुप कर ही मिलना होगा। वो देखो सीता हो रही। क्या हुआ बेटी, इतनी पतली हो गई? आप कैसी हो ग्रैनी, इतनी पतली हो गई हो? ये ग्रैनी क्या है, मैं कुछ समझी नहीं। ग्रैनी का मतलब दादी माही होता क्या है बेटा? बड़े लोगों के डब्बे से उतरे हो तुम तो। कोट पहना हुआ था ना, तभी बैठने दिया। बेटा लॉर्ड साहब लग रहे हो एकदम। हाँ, पढ़ाई तो पूरी खत्म कर ली ना? बस एक और किताब बची है दादा। कौन सी? लव की किताब, बस वो पढ़ लूँ तो खत्म हो जाएगी। तो उसे भी पढ़ डालो ना, पढ़ डालो। बस उसी काम में लगाऊं दादा जी। ईश्वर। How are you, princess? Fine, officer. तुम गाँव कब आए और कितने दिन रहोगे? देखो तो भैया को कैसे नाम लेकर पुकार रही है, ईश्वर ईश्वर कहकर। मैं ईश्वर कहकर पुकारती हूँ तो ही अच्छा लगता है। ईश्वर मेरे भैया ही नहीं, दोस्त भी है। उसमें गलत क्या है जी, बंधन जीने के लिए, नाम पुकारने के लिए होता है। ये कौन है? बड़े मालिक, ये मेरा पोता है मालिक, शहर में पढ़ रहा है, अनजाने में ऐसा कह दिया इसने मालिक। बड़े मालिक को नमस्ते। बहुत बढ़िया कहा, बंधन जीने के लिए और नाम पुकारने के लिए। सुनो जी मालिक, बाल बड़े हो गए हैं, कल सुबह ही आ जाऊंगा मालिक, बाल काट कर शरीर की मालिश कर दूंगा। ईश्वर। हरी बाबू।
कम व्हाट्स आर अगेन इट कैनॉट काउंटर वे एक्सचेंज ऑफ जॉय दैट वन शॉर्ट मिनट गिव्स मी हर साइट। ये कैसा पागलपन है? हमें आए 4 दिन हो गए हैं, दिखाई नहीं दोगी तो कैसे होगा प्रिंसेस? हाँ जी, जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ ना यहाँ। आपसे दूर रहकर मुझे नींद नहीं आती है, बहुत बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार अगर दूर हुए तो हर बार अपनी बात एक चिट्ठी में लिख कर रख लेना। सिर्फ चिट्ठी लिखना ही काफी होगा या फिर कानों में गुपचुप बातें भी कहनी होंगी? इसका मतलब जानती हो माय हाइनेस, शादी करने का समय हो गया है। त्योहार खत्म होने के बाद कर ले क्या? हमारे घर में भी वही बात हो रही है, त्योहार खत्म होते ही शादी कर देंगे। मान गए क्या इतनी आसानी से? तुम्हारे साथ नहीं शेक्सपियर, किसी और लड़के के साथ। वो कैसे? मेरे दादाजी बाहर ही बैठे हैं, जाकर उनसे। अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, क्या बात कही है। नाखून काट दूं मालिक। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? खेल देख रहे हो क्या या फिर लड़कियों को देख रहे हो? जाति से नीचे उतरने का काम मैं कभी नहीं करता। पैरों के नाखून काटने वाला सर पर नहीं बैठ सकता, उसकी जगह कदमों के नीचे ही होती है। हरी के बारे में बात कर रहे हो ना? क्या पूछना है पूछो, छुप छुप कर करें, ये कोई युद्ध नहीं है, प्यार है। ये कैसा प्यार है? वो कौन है पता है? मर्द है और मैं औरत हूँ, प्यार करने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या है उसमें? पढ़ा लिखा है, अच्छा लगता है, हंसाता है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा इस बात का भरोसा है। एक मर्द में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खून। वो कौन से खून का है ये तुम जानती हो क्या? इज्जत का तो ख्याल करो। तुम भी ऐसे घर के दामाद बन जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। छोटी बहन हो, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारता। भैया हो मेरे, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारती कि ऐसे कैसे सोच लेते हो तुम, ये पूछती। ईश्वर जी आइए, एक हाथ जमा लेते हैं। खाली हाथ युद्ध, जीत हो या हार हो अच्छा लगेगा, आइए। बड़े लोगों से कैसे खेलेगा? हरी, अब तू उन्हें क्यों बुला रहा है? मेरी शादी भी तो उन्हें ही करनी है, तो समझौता तो करना ही होगा। मालिक, उसे नियम के बारे में कुछ पता नहीं है। खेलने दो थोड़ा, जवान कौन है और फिर त्योहार भी तो है। तुम दोनों में जो भी जीते, समझना कि मेरी ही जीत हुई। जाओ। ईश्वर जी, दम घुट जाएगा। मारना ही तो है, पैर के पास बैठने वाले के पैर मैं धोऊंगा, ये कैसे सोच लिया तूने? आखिरी बार देख ले मेरी बहन को, और भूल जा, जिंदा बच जाएगा। Thank you.
भाई, तुम रथ पर बैठी देवी की राह देख रहे हो या देवी के साथ आ रही सीता को देख रहे हो? पाखंडी। कौन मैं? मेरे अंदर उस गुण को देखने वाले तुम पहले इंसान हो। सीता नहीं है, सुभद्रा है, साथ में बलराम भी आ रहा है, तुझे मार न डाले ऐसे देख रहा है। बेचारा, लगता है मिलन के लिए कृष्ण को ही आना होगा। पंडित जी, आप तो है ना? क्या मैं? तुमने बलराम का हल्दर देखा नहीं क्या? इस मामले में टांग अड़ाने से तो अच्छा है मैं मंत्र ही पढूं। पंडित जी, मैं जनार्दन पाल शास्त्री नहीं हूँ, मैं जॉन पाल शास्त्री हूँ। जॉन पाल मतलब जनपाल मतलब गोपाल। थोड़ा साथ देकर साले को दूर कर दो ना दोस्त। दोस्त? दोस्त ही तो है। सीता, ये इन्हें दे दो, चढ़ावे की साड़ियाँ लेकर आओ जल्दी। देवी जी, ये एक तरह का कल्याण यंत्र है, कुमारी इस यंत्र को तालाब में डुबाएगी तो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। हो कर आओ देवी। सीता चलो, मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप तो पूजा पर है ना, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, देवी जी को जाने दीजिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ ना, चलो बेटी। शादीशुदा औरत तो बिल्कुल नहीं जा सकती, दोबारा विवाह की संभावना बन सकती है। क्या बकता है, मैं नहीं जाती, तू अकेली जा बेटी। हो कर आइए, हरी हर मिलेगा। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊंगा, क्या कर लेंगे वो लोग? मार डालेंगे यहाँ। कोई मारने आएगा तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ, हाथों में दम है, मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। मेरे भैया को मार डालोगे? मेरे भैया को? मैं अपने भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, समझे? वो क्या है? कुछ मत बोलो। उन्हें समझाने गई तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें मार डालेंगे। उस दुख को तुम्हारे साथ बांटने आई हूँ तो तुम कह रहे हो कि उन्हें मार दोगे? गलती हो गई, जबान फिसल गई। सीता जी, जरूरत पड़ी तो ईश्वर की जान के लिए अपनी जान न्योछावर कर दूंगा, ठीक है ना? सच कह रहा हूँ। दादाजी, सीता की शादी करवानी है, मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंगलसूत्र चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारे भैया मार दे तो भले ही जान भी क्यों ना चली जाए, अगर आपकी बात भी ना मान सका तो भगवान की दी हुई ये जान भी किस काम की? बस करो शेक्सपियर, अब तक इस गांव में ऐसी शादी हुई ही नहीं, कितने झगड़े होंगे ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। मिल जाएंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना, चार कदम चलेंगे तो कितना अच्छा लगता है, हम भी मिलेंगे तो ये गांव अच्छा रहेगा। मेरा भरोसा करो, तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हें? तुमसे। गोरों के साथ उसको भेजना उसका मतलब उससे नाराजगी नहीं है, न अपने देश से प्यार है, इसलिए जलन से भेज रहे हैं। हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, इसलिए आजकल के जमाने में कोई भी लड़की किसी भी लड़के से प्यार कर सकती है, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। ईश्वर इसे प्यार करना नहीं कहते, हमारे अधिकार पर प्रश्न उठाना कहते हैं। साहब ये आ गया। बड़े मालिक की पोती की शादी है, तुम लोग ही देर करोगे तो कैसे चलेगा? मेरा पोता दिखाई नहीं दे रहा मालिक, आसपास में मैंने बहुत ढूंढा, गांव वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है मालिक। कुछ नहीं होगा, लड़ाई से डर कर वो कहीं भाग गया होगा। उसे डर होता तो मुझे चिंता नहीं होती मालिक, लेकिन वो ही मेरा डर है मालिक। देखो, डर और जिम्मेदारी को समान रूप से देखना होता है। तुम्हारी बहन ने कितनी शादियां देखी होंगी और कितनी मौतें देखी होंगी, जाओ अपना काम करो। दोनों को पहले मंदिर में लेकर जाना, वहां नारियल फोड़कर फिर मंडप में लेकर जाना। है। सीता भी आ गई है, अब क्या सोच रही हो? तैयार हो जाओ। ये सब सिर्फ हमारा इस्तेमाल करने के लिए जीते हैं, हम तो बस इनका वंश बढ़ाने के लिए हैं। यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और कर भी क्या सकते हैं? किस्मत, तुम्हारी पीढ़ी के लिए ये मानना मुश्किल है, लेकिन आदत बना लो बेटी। Thank you.
शादी के शुभ दिन पर ये आंसू क्यों? ये तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आने वाला है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे दादा है ना, शेक्सपियर, मुझे भगा कर ले जाओ ना। अगर हम अलग हो गए तो गांव बर्बाद हो जाएगा, अगर हम भाग कर गए तो प्यार बर्बाद हो जाएगा, दोनों बर्बाद नहीं होंगे। आओ। इस घर में शादी करके अपने घर ले जाऊंगा, ये वादा किया था दादाजी। वादा किया था दादाजी।